और बजट को लेकर कहीं खुशी और कहीं गम का माहौल है। जहां टूरिज्म को मिली रायतों से क्षेत्र के लोग खुश हैं, वहीं उद्योग जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि बजट में काफी असमानताएं हैं। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ठीक है, बिकॉज सोशल सेक्टर पे काफी स्ट्रेस दिया गया है, लेकिन जिस तरह हमारा एम था कि हम जीडीपी 10% तो को टच करेंगे, तो उस हिसाब से हम लोगों को ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलने चाहिए थे, या कम से कम टैक्स के अंदर जो इतना ज़्यादा है उसको ऑलरेडी कम करते तो हमारी सेविंग्स बढ़ती, सेविंग बढ़ के इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ती, उस तरह जीडीपी को ग्रोथ होती। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं लगा। 12% tax on commercial property, that's going to be a big hit. MAT has been extended to some companies which are export oriented, IT and others. They may be able to get credit of these taxes later, but it's a cash flow issue today. Customs duty have come down marginally, CST has come down by 1%. I think those are positive, but I think a lot more could have been done in that respect. And finally, on dividend declaration tax going up from 12.5% to 15% did not make a lot of sense at this stage. Financial sector mein is baar bade interesting cheeze rahi hain. Ek to ye ki RRBs as a sector jo hai, RRBs regional rural bank jo ki banking system ka ek bahut important hissa hai, aap dekhiye ki wahan koi khas kaam nahi ho raha hai. Finance Minister has tried to activate RRBs and make them play a more important role than the marginal role which they are playing today. देखिए, बजट से एज ए टूर ऑपरेटर्स प्रेसिडेंट इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स तो हम डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि टूर ऑपरेटर्स को जो कि सर्विस टैक्स लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब दो साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें हमें या तो एग्जम्पशन मिलेगी या फिर 90% अबेटमेंट मिलेगी, जो कि हमारी वेरियस मीटिंग्स हुई हैं फाइनेंस मिनिस्टर से भी, रेवेन्यू सेक्टर से भी, अबेटमेंट कमेटी, उसके बारे में अभी कुछ नहीं है। हो सकता है कि बाद के नोटिफिकेशन में हमें अबेटमेंट आए।